Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? And welcome back to my YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. दोस्तों मैं हूँ Mrs. Raj, Mr. Raj भी उठ गए हैं तो वो अब आएंगे थोड़ी देर में ब्लॉग में हमारे. तो guys अभी मॉर्निंग का टाइम था, मतलब 9 बज गया था. हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, सबको ब्रेकफास्ट करा के. अभी मिस्टर राज नहीं किए, बाबू नहीं किए हैं, बाकी पापा मम्मी कर लिए और मैं भी कर ली, क्योंकि मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और चाय वगैरह, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ मॉर्निंग में नहाना होता है, सब कुछ पूजा पाठ. और कल मैंने मंदिर धोया हुआ था तो पूरा मंदिर रगड़ रगड़ के साफ, क्योंकि दीवार पे ना काला काला ऐसे हाथ टच करने से या अगरबत्ती वगैरह जो भी हो उसका दाग लग गया था, तो उसको भी छुड़ा छुड़ा के एकदम रगड़ना पड़ा था. तो आज है दिवाली, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी दिवाली. और आप लोग का दिवाली आज काफ़ी अच्छे से मने और हम लोग भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे. आज के दिन तो बहुत ही अच्छा अच्छा खाना भी बनता है, चावल दाल और पकौड़ी वगैरह. बाकी हर दिन बना के खाते हैं, लेकिन आज का नियम होता है कि ऐसे खाना बनता है. अभी मैं जा रही हूँ रूम में और मम्मी पापा को मैंने सुबह ही में बोल दिया कि हैप्पी दिवाली. पापा जी भी बोले सेम टू यू, थैंक यू. अच्छा लगता है ऐसे. अभी मैं जा रही हूँ मिस्टर राज को बोल देने, एक देखती हूँ वो बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं उनको सुबह में बोली ना कि सोना हैप्पी दिवाली, तो कुछ भी नहीं बोले. फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, जब बोलो तो कोई बोलता है ना, उसका रिप्लाई करता है तो अच्छा लगता है. दोस्तों आप लोग का दिवाली एकदम मस्त आज आप लोग मनाइएगा और खूब सारा पटाखा छड़िएगा, लेकिन बच के, क्योंकि डर लगता है. मैं तो सिर्फ वो फुलझड़ी वाला और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं छुट छुड़ी, वही वाला मैं छोड़ती हूँ. तो अभी देखती हूँ कौन सा पटाखा आएगा. और रात को तो मेरी साड़ी भी आ गई, मम्मी भी ली और मैं भी ली साड़ी. वैसे 4-5 आया हुआ था, लेकिन मुझे एक पसंद आया जो कि कलर मेरे पास है, लेकिन वो कपड़ा नहीं है, वो सिल्क डिज़ाइन नहीं है, सिल्क का ही है. एंड मम्मी भी ली हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे वो वाला साड़ी. उस दिन दिखाऊंगी मैं, जिस दिन मैं पहनूंगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना. जब चलती हूँ डोम के अंदर, आज का मौसम भी आप लोग देख सकते हैं रूम के अंदर. हमें रात को बोलते सुना हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली. हम बोले थे ना कि सुबह नहीं बोले थे. दीपों का महात्योहार दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी के घरों में. आज की जो रोशनी है वो सारे अंधकारों को मिटा दे और मे योर हाउसेस, मे योर लाइफ बी फुल ऑफ लाइट्स एंड बहुत सारी रोशनियां आप सभी के जिंदगी में. क्या कह रही थी? मैं बोली थी ना कि मैं उनको सुबह में बोली ना हैप्पी दिवाली, तो कुछ भी नहीं बोले. फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा. अब बोले ना कि कैमरा में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद बता गई, बहुत ज्यादा सो रहा था. तो बहुत ज्यादा क्या सो रहा था, सो ही रहा था. मैं फिर बोलने सुबह में नींद आती है ना, हम लोग सो रहे हैं अभी बस. सब चलती मम्मी के पास, मम्मी गर्म पानी देने जा रहे हैं कि मम्मी को अभी दवा भी खाना है. अभी आ गए हैं मम्मी के पास और मम्मी अभी दवा खा रही है, जो नाश्ता के बाद दवा खाते हैं. बस थोड़ा लेट हो गया है दवा खाने में, नाश्ता लेट से मिला है इसीलिए. 9 बजे नाश्ता मिला है, तो 1 घंटा के बाद खाना है दवा हमको. थोड़ा पच जाता है तब पानी पीते हैं. और एक दवा है जो 5 दिन के बाद खाना था, तो आज हो गया 5वां दिन. ये बहुत ज्यादा दवा था, लेकिन अभी इतना पहुंचा है, अब इतना ज्यादा दवा बहुत खा रहा है, बाप रे बाप मन भर गया. लेकिन मम्मी का अब भी चक्कर वगैरह आ जा रहा है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, जब सो रहा है उठ रहा है बैठ रहा है, अभी इसमें इतना है. पूरा नया है, ये खुला हुआ नहीं है, एक पत्ता खा रहा है. चलिए ठीक हो जाएगा तो सही रहेगा. लेकिन आज है दिवाली, तो आज एकदम मम्मी मस्त रेडी होने वाले. हम तो रेडी होंगे, लेकिन सब लोग के लिए मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली और खूब मस्त. आप लोग थोड़ा पटाखा छोड़िएगा, लेकिन कम छोड़िएगा प्रदूषण ना हो. प्लस डर भी रहता है पटाखा छोड़ने में. मम्मी का तो आज अनारकली आएगा पटाखा. और मम्मी दवा खा रही, एक दवा जो था ना मम्मी का सिरप वो बहुत बेकार था, वो नहीं पीने का हमने. चलिए वो दवा तो अब ख़त्म हो गया, वो डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए. और कल रात में हम लोगों की साड़ी जो आई हुई थी उसका आप लोग देखेंगे बिल, ये 6,000 का. लेकिन पता है क्या, वो साड़ी की पहली बार मतलब हम ऐसे देखे ना, वो साड़ी कितने का था, 5,500 का था. मतलब 5,500 का नहीं था वो साड़ी, लोग गया था सचिन और प्रिंस
पैसा देना, इसके पापा ट्रांसफर किए थे तो 6000 रुपए दुकानदार बोला कि 6000, तो हम बोले कि कुछ कम नहीं कराया हम लोग, तो कम करता नहीं है, एक दाम का दुकान है, 20 रुपए का है, हम वहाँ से साड़ी लेते हैं, नहीं तो जय अम्बे से शिवान में लेते हैं, बाकी कहीं से नहीं खरीदते हैं साड़ी। तो आया इसके लिए पसंद करने के लिए, तो एक हम भी मैंने पापा इसको बोले कि ले लीजिएगा, लेना होगा तो अभी एक पसंद करके ले लिए हम भी। तो मेरा साड़ी 2500 का था, इसका था 3000 का, तो वो पैसा काट लिया था 3500 इसका और मेरा 2500, तो 6000 रुपये का हो गया था। तो हम देखे थे इस बार भड़क गए हमने, तुम 500 ज़्यादा क्यों देके आ गया, यही सब बोला है, नहीं 200 कम में लिया है, इसमें हम लोग का बिल ऑनलाइन से हुआ था तो 200 पैसा उसमें साथ छोड़ा था। तो हम फ़ोन नंबर उसका रसीद से, यहाँ है रसीद, इससे फ़ोन लगवाया इसके पापा से, और हम बोले कि आपका है 3500 काटे हैं, 3000 का साड़ी है 3500 काट रहा है। जब बोलने लगे उसको तो बोले आप मैम दीजिए अकाउंट नंबर, हम पैसा 500 ट्रांसफर कर, एक बार पैसा भेजने के लिए बोलने लगा और सब कोई यहीं पे था। तो हमेशा हम जाते हैं ना तो हमको पहचानता है, नए आदमी को देख के दे देता है सब पैसे, जबकि फिक्स प्राइस है, फिर भी 500 रुपया मिलने वाला था, तो 500 रुपया वो रिटर्न किया पैसा, और 500 में तो हम लोग का दोनों आदमी का पेटीकोट भी हो जाएगा, तो इस तरह बचत करते हैं, और उसमें मुलाई नहीं कीजिएगा तो 1 रुपया नहीं छोड़ने वाला है कोई दुकानदार, तो ऐसे भी नहीं छोड़ता है, और ज़्यादा लेडीज लोग ही ये मतलब कर पाते हैं ना हमें मुलाई वगैरह, जेंट्स लोग से तो जितना पैसा मांगेगा उतना ही दे देते हैं। और साड़ी कपड़ा ऐसा चीज़ है ना कि दूना का नाफा रहता है, और 2000 का साड़ी है तो 4000 लोग उसमें ही करता है, आप कितना बार्गेनिंग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 700 1000 यही कर सकती है, 1000 कहाँ 500 200 100 यही होगा, तो इसीलिए ज़्यादा ठग देता है लोग साड़ी कपड़ा में। छठ में, छठ में दीपावली में बहुत महंग, छठ में और ईद में बहुत महंगा मिलता है सिवान में कपड़ा। अभी जो साड़ी आया हुआ है वो तो ब्लॉग में दिख गया होगा, लेकिन अब इस ब्लॉग में नहीं दिखेगा, शायद पिछले ब्लॉग में मिस्टर राज बनाया हमको दिख जाएगा, लेकिन वो नहीं पता है ये कौन सा हम लोग साड़ी लिए हैं, तो मम्मी भी ली है एक साड़ी, तो देखते हैं हम लोग छठ पूजा में पहनेंगे, तो मेरा ब्लॉग में आप लोग देखिएगा, बाबू बनाया तो उनके ब्लॉग में मिलेगा कि कौन सा साड़ी खरीदे हैं। अभी नहाए धोए हम नहीं है, चूँकि सुबह से हमको चक्कर सा आ रहा है, और ये आँख के अंदर जो है वाइट दिख रहा है, पूरा वाइट दिख रहा है, मतलब ब्लड की कमी है, इसलिए चक्कर आ रहा है, इतने मोटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वीकनेस है, शरीर फूला हुआ दिख रहा है, लेकिन अब वीकनेस है, और फिर से आज दिवाली भी है तो शाम को वैसे भी नहाना होता, मम्मी को बार बार नहाना भी ठीक नहीं, थोड़ी देर के बाद सोचे खाना खाओ के तब नहाएंगे, नहा के सजा देंगे मंदिर, आज मम्मी पहनने वाली है, वैसे कल जो मम्मी बनाया था ना छठ पूजा पर, उसमें सबको बोल रहा था पीला कलर का साड़ी पहन के, वरना हम पीला सिंदूर लगा के, तो आज मम्मी पहनने वाली है पीला कलर और रेड कलर की साड़ी, तो आप लोग देखिएगा वो रात भी साड़ी हमको गिफ्ट मिला हुआ है, कोई दिया है हमको, आज छठ में तो नहीं पहन पाएंगे इसलिए आज पहन लेते हैं वो साड़ी, हाँ और आज सही भी लगेगा वो आज वाले दिन भी। आप लोग बने रहे हो ब्लॉग में, अब चलते हैं बाबू के पास, बाबू का आज सिर में दर्द होता तो देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं, अब आगे बाबू के पास, और अभी बाबू का सिर कैसा है, मतलब सुबह सुबह दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा पता नहीं, और खाली पेट बोल रहे थे दवा खाने के लिए, तो मम्मी मना की खाली पेट दवा नहीं खा क्या, अरे इनका गुड मॉर्निंग हैप्पी दिवाली तो बोल दीजिए बोलिए अभी जस्ट अभी लेटे हुए थे इसलिए नहीं हुआ अभी कैमरा ऑफ कर रहे हैं, अभी मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस इस वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक तो करना, शेयर भी करना साथ साथ, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर से एक बार आप सभी लोगों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, शाम को सब कुछ दिखेगा, कल जम का दिया निकला था वो वाला ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग बने रहना, एंड वीडियो को खूब सारा शेयर करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।